यहाँ से ग्रुप लोन को सिलेक्ट कर दो सारे ऑब्जेक्ट को और एंटर मार दो। तो देखो ये आपके एक साथ सिलेक्ट होंगे, सारे ग्रुपिंग में आ गया। कभी कभी क्या होता है कि अगर आप किसी को कॉपी करते हो, कोई छोटा सा भी अगर ऑब्जेक्ट वहां से आपका रह गया तो आपको दोबारा करना पड़ जाता है। लेकिन अगर आपने उनको ग्रुप कर दिया तो एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो किसी को भी, तो पूरा ऑब्जेक्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा ग्रुप करने पे, राइट। अब देखो ये आपका है क्या अनग्रुप का, अगर इसको आप अनग्रुप कर दोगे तो वापस से ये नॉर्मल हो जाएगा, देखो ठीक है, और ग्रुप कर दोगे तो ये आपका ग्रुपिंग आ जाएगा। ग्रुप बना दिया इसका, अब इसको क्या करना है एडिट ग्रुप करना है। एडिट ग्रुप में क्या होता है कि मान लो कि इसमें आपको एक और सर्कल यहाँ पे ऐड करना है या कुछ और आपको यहाँ पे एक और करना है, तो आप क्या करोगे यहाँ से एडिट ग्रुप में जाओगे और उस ग्रुप को सिलेक्ट कर लो जिसमें ऐड करना है। तो देखो आपके पास में क्या है द ऑब्जेक्ट नंबर, ओके। अब इसमें आपको क्या करना है एड ऑब्जेक्ट करना है, आपको ऐड ऑब्जेक्ट करना है, तो ऐड ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो और जो ऐड करने है ऑब्जेक्ट उन पे क्लिक कर दो और एंटर मार दो। उससे क्या होगा आपके देखो वो ऑब्जेक्ट आपके ऐड हो गए, ठीक है भाई। तो इस तरह से आप इसमें ग्रुप कर सकते हो। ये देखो आपका ग्रुप बना लिया, अनग्रुप कर लिया आपने और ग्रुप में एडिट भी कर लिया। अगर कुछ आपको रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव ऑब्जेक्ट पे जा करके किसी भी एक ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, एंटर कर दो, राइट। ये है आपका ग्रुप ऑन और ऑफ। अगर देखो ये आपका ऑन है तभी आपका ग्रुप काम कर रहा है, अगर इसे ऑफ कर दोगे तो आपका ग्रुप काम नहीं करेगा, देखो नॉर्मल जैसा ही हो जाएगा। फिर अगर इसको ऑन कर दोगे तो फिर आपका ग्रुप जैसा काम करेगा। तो ये ग्रुपिंग क्या करते हैं इसको देख, जैसे कि आपने कोई भी डोर बनाते हो तो डोर में आपके आर्क होते हैं, लाइंस होते हैं, अगर एक को मूव करके रखना है आपको तो क्या करना पड़ता है, आपको सारे एक एक करके सिलेक्ट करने पड़ते हैं। तो उसको एक बार अगर ग्रुप कर दोगे ना तो आपको एक ही सिलेक्ट करोगे तो पूरा ऑब्जेक्ट एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगा आपको, ठीक है। तो ये ग्रुप अनग्रुप और एडिट ग्रुप के ऑप्शन है आपके। अब इसमें देखो आता है आपका डिस्टेंस, अगर आपको कोई भी दो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता करना है तो यहाँ से क्लिक करो, तो देखो आपको डिस्टेंस बता दिया कि आपका वाई पे कितना है 261, डिस्टेंस 261.446, ये आपका डिस्टेंस आ गई इस लाइन की। अगर आपको रेडियस पता करना है तो यहाँ से आर एंटर करके किसी भी सर्कल का रेडियस पता कर सकते हो, देखो ये आपको रेडियस दिखा रहा है, ये आपका डायमीटर। तो ये डायमेंशन की तरह नहीं दिखाता, आपको नीचे से शो करा देता है कि भाई आपको पता करने के लिए चाहिए तो यहाँ से पता कर सकते हो। अगर आपको किसी का एरिया पता करना है तो क्या करना पड़ेगा, ए आर एंटर करो और वो पॉइंट क्लिक कर दो जिस कॉर्नर पॉइंट पे आपको चाहिए और एंटर कर दो। तो देखो ये आपका एरिया आ गया इसका, ये आपका क्या आ गया पेरीमीटर। किसी को कोई डाउट यहाँ तक, आप रेडियस एंगल एरिया यहां से पता कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखो ये आता है क्या क्विक सिलेक्ट। क्विक सिलेक्ट में क्या होता है कि मान लो कि आपको सारे इसमें सर्कल्स को सिलेक्ट करना है, किसको करना है सर्कल्स को, तो यहां से सर्कल सिलेक्ट कर लो और व्हाइट कलर से है तो रेड कलर से तो एक भी नहीं है तो बाय लेयर ले लो और ओके कर दो।
देखो जितने भी व्हाइट कलर से आपके सर्कल बने हुए हैं सारे सिलेक्ट हो गए। तो इस तरह से आप इसका क्विक सिलेक्ट भी यूज कर सकते हो। ये है आपका सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट कर दो तो पूरा जो भी कुछ है सब कुछ सिलेक्ट हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे। आ रही बात समझ में? आतिश, अरुण, विलास, फिर है आपका, अगर आपको कैलकुलेटर यूज करना है इसमें तो कैलसी भी है आपके पास, तो कैलसी पे क्लिक करके आप यहाँ पे कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो। ओके। आपके पास अलग अलग टाइप का है, न्यूमेरिक पैड भी है, साइंटिफिक भी है, यूनिट कन्वर्जन भी है, तो जो भी आपको यहाँ पे यूज करना है वो यहाँ से यूज कर सकते हो कैलकुलेटर। इसमें मैं आपको ये पॉइंट स्टाइल तो बता ही चुका हूँ, याद हो तो आपको बताया है सर। अगर आपको किसी के कोऑर्डिनेट पता करने हैं किसी भी पॉइंट के, दोनों एक्स और वाई, तो ले जा करके उसके पॉइंट पे क्लिक कर दो, तो देखो आपको एक्स और वाई दोनों के कोऑर्डिनेट आ गए आपके यहाँ पे। यस सर, फिर से बताइएगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता करने हैं तो यहां से आप क्या ले लो, आईडी पॉइंट, और उस पॉइंट पे जाकर के क्लिक कर दो, तो देखो नीचे आपको एक्स और वाई दोनों के पॉइंट दिखा रहा है, ये एक्स का कोऑर्डिनेट और ये वाई का कोऑर्डिनेट। एफ टू डालो तो देखो आपको पूरा दिखा रहा है कि नहीं। कैसे देखे सर? F2 प्रेस कर दो, F2। ठीक है। अच्छा अब आता है ये क्लिप बोर्ड, कट कॉपी पेस्ट सबने किया है कि नहीं किया अभी तक? क्या होती है कॉपी की शॉर्टकट की क्या होती है? CEO. ये वाला नहीं यार, जो नॉर्मली आप किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए करते हो, कंट्रोल प्लस सी। और कट की क्या होती है? क्या कहते हैं, भी तो पेस्ट हो गया ना। हाँ, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स। हाँ, और पेस्ट के लिए क्या होता है? कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, बिल्कुल। तो देखो ये तीनों ऑप्शन वही है, ये है आपका कॉपी कंट्रोल सी, ये है आपका कंट्रोल एक्स कट, और ये है आपका कंट्रोल वी पेस्ट। अब इसको यूज कहाँ करोगे और कैसे करोगे मुझे एक चीज बताओ, कि ये जो आपका फिगर है अगर आपको ये यहाँ से यहाँ पे कॉपी करना है तो कौन सी कमांड यूज करोगे, ये वाली कॉपी आया ना, और अगर आपको ये दूसरी ड्राइंग पे ले जाके कॉपी करना है ड्राइंग टू में तो कैसे करोगे? कंट्रोल सी। हाँ, तो इसको सिलेक्ट प्लस सी दबाते हैं, इसको कंट्रोल प्लस सी दबा दो इसका, और अगर कंट्रोल प्लस एक्स दबाओगे तो क्या होगा, यहाँ से गायब हो जाएगा। और यहाँ पे आवाज ही ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दो तो देखो यहाँ पे आ गया आपका। तो ये कंट्रोल सी किया था इसलिए यहाँ पे भी है आपका और ड्राइंग टू पे भी है ना। और अगर आपने कंट्रोल एक्स किया होता तो ड्राइंग वन से हट जाता और ड्राइंग टू में आपका पेस्ट कर देते आप। तो ये रहता है आपका कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी का ऑप्शन। ठीक है, तो ये अब आपका पूरा कंप्लीट हो गया है ऑटो कैड। ठीक है, और आप प्रैक्टिस कर लेना इसकी अच्छे से। और जिन जिन का 3D है उनका 3D कुछ दिनों के बाद स्टार्ट होगा, मोहित सर बैच बनाएंगे सबका। ठीक है, फिर आपका सर 2D में 3D भी है ना? डियर ये देखो, ये आपको मोहित सर से पूछना होगा क्योंकि मुझे आइडिया नहीं रहता कि आपने कौन से कोर्स में एनरोल किया है। 2D प्लस 3D था ना मेरा डियर, ये आप मोहित सर से कंफर्म करना।
आइडिया सर मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके ठीक है ये पूछ लूंगा। मैं क्या बोल रहा था इसमें 2D तो खत्म हो गया, अभी इसमें एक प्लान लीजिए, उसमें मुझे टोटल एरिया, उसके बाद उसमें कारपेट एरिया और उसका प्लिंथ एरिया कैसे निकालते हैं वो बताइए ना। अभी मैंने आपको एक एरिया कमांड बताई थी सर। सर प्लान का बताइए ना, उसमें समझ में नहीं आएगा, एक प्लान लीजिए उसमें बताइए। ठीक कौन सा एरिया चाहिए बताओ। जैसे ये सर ग्राउंड वाला लीजिए, जैसे सामने कुछ पैसेज है, सामने सर कुछ इसमें पैसेज नहीं है, जैसे वो आप छोड़ना लो, अरे लो यार लो, ये आपके ऐड मैंने ऐड कर दिया इसमें। ओके ठीक है अब सही है। ये आपका ओपन एरिया हो गया सामने का। हाँ सही है। अब आपको क्या करना है, आपको इसका कारपेट एरिया चाहिए राइट। कारपेट एरिया आपका वॉल के अंदर से अंदर तक का लेते हैं, वॉल के अंदर से अंदर तक का। आवाज ब्रेक हो रही है। ये कह रहा हूँ वॉल के अंदर से अंदर तक का चाहिए होता है ना आपको कारपेट एरिया। आवाज नहीं आ रही है। हेलो आवाज आ रही है अब। हाँ हाँ मैं ये कह रहा हूँ जो आपका कवर्ड एरिया होता है वो वॉल के अंदर से अंदर तक का लेते हैं कि वॉल से बाहर का बाहर से लेते हैं। अंदर से अंदर का। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, एरिया कमांड लेंगे ठीक है, और अंदर वाली वॉल से लेकर के जितने भी आपके अंदर वाले वॉल के वो है पॉइंट, उनको आप यहाँ से इस तरह से सिलेक्ट कर लो एक एक करके ठीक है, और फिर फाइनल पॉइंट पे आके क्लिक कर दो और एंटर मार दो। तो ये आपका देखो ये हो गया आपका। ये कौन सा हो गया सर, कारपेट एरिया क्या? हाँ जी कारपेट एरिया ना। हाँ जी 717 स्क्वायर फीट के हिसाब से आ गया ये। ये क्या अपना है? क्या है सर, कारपेट एरिया है कि क्या है? ये आपका कवर्ड एरिया, कारपेट एरिया भी कह सकते हो, कवर्ड एरिया भी कह सकते हो। ओके कवर्ड एरिया ठीक है, पब्लिक कारपेट एरिया। हाँ हाँ जी। अब इसको टोटल आपको अब क्या पता करना है, आपको पूरी प्लॉट का एरिया टोटल एरिया। हाँ। तो फिर से आप यहाँ से एरिया लेंगे और इस बार आपका पूरा आउटर से आउटर तक का चलेगा इस बार। और एंटर मार दो। तो देखिए ये आपका 915.44 आपका स्क्वायर फीट में आ गया पूरा। स्क्वायर इंच में अभी बता रहा है और आपको स्क्वायर फीट में अभी बता रहा है। ओके ठीक है। उसके बाद प्लिंथ एरिया। प्लिंथ एरिया, प्लिंथ एरिया तो आपका कारपेट एरिया ही होगा ना डियर। सर फिर आउटर वॉल से आउटर वॉल कौन सा एरिया हो गया? आउटर वॉल से आउटर वॉल आपका हो गया टोटल एरिया। सर ये तो उसमें पैसेज भी आ गया ना, वो जो छूटा है लॉन के लिए। एक मिनट बेटा, आपको लॉन से लिया है, ये आपका हो गया टोटल पूरा प्लॉट का, प्लॉट का टोटल। हाँ ठीक है। और अगर आपको कारपेट एरिया चाहिए, जो आप कह रहे हो कारपेट एरिया, कारपेट एरिया में वॉल का जो एरिया है वो इंक्लूड नहीं होता, वो आपका इनर से इनर तक चलता है। आई बात समझ? कारपेट एरिया में, क्योंकि कारपेट क्या होता है, जो आपका फ्लोर होता है वही तो आपका कारपेट एरिया होता है। फ्लोर एरिया मतलब कारपेट एरिया है ना। हाँ जी हेलो। और एक मिनट आतिश, एक मिनट, जो आपका कवर्ड एरिया होगा ठीक है, और प्लिंथ एरिया जो होगा वो आपका वॉल का एरिया भी इंक्लूड होता है उसमें। किसमें सर? जो आपका कवर्ड एरिया और आपका ये जो टोटल आपने कवर्ड किया है उसमें आपका वॉल का भी एरिया कवर्ड होता है। अच्छा हाँ, कारपेट एरिया में वॉल का नहीं आता। और सर फिर जो अपन ने वो पैसेज छोड़े है खाली जगह, हाँ हाँ, उसको कौन सा एरिया कहेंगे? वो तो आपका ओपन एरिया हो जाएगा।
नहीं, कैलकुलेशन करने के समय अलग एरिया बताता उसको स्टैंडर्ड नेम है। और इसको OTS भी कहते हैं, ओपन टू स्काई, ठीक है, या अनकवर्ड। सर ऐसे में बोलते कॉर्पोरेट एरिया कहते शायद उसको, जो छोटा है उसको। कौन सा? जो खाली जगह है अपनी उसको कार्पेट एरिया कहते हैं शायद। नहीं यार, कार्पेट एरिया में तो आपका, अच्छा ठीक है, कार्पेट एरिया वो हो गया। फ्लोर एरिया? फ्लोर एरिया अंदर का होगा शायद। अच्छा, वॉल टू वॉल, ठीक है। और आपका कवर्ड एरिया हो गया आपका, इंक्लूडिंग वॉल्स? इंक्लूडिंग वॉल्स। और आपका टोटल एरिया हो गया आपका पूरा, ठीक है सर। कल क्लास लोगे क्या? कल क्लास नहीं लेंगे, बताओ। अगर मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो पर्सनली आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हो डियर। क्योंकि क्योंकि मेरे को इसको निकालना पड़ेगा अभी स्टैंडर्ड में, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, आप इसको निकाल के देख लेना। कोई भी अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे एक मैसेज कर देना कि सर मुझे डाउट है, और मैं आपको